Hare Krishna, all my dear students. I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor in SAIT Excellence College, Bhopal. Today we will be covering the last topic of precipitation chapter. In this topic, we will be covering the probability analysis, return period, and intensity duration frequency curves. So first of all, we will be studying the return period. So what is return period? The return period is a period within which the depth of precipitation for a specified duration will be equaled or exceeded. For example, we will see the 100-year 24-hour precipitation depth for Bhopal is 7.5 cm. Thus, Bhopal received 7.5 cm of precipitation within a 24-hour period on an average once every 100 years over many 100 year periods. So इसमें हम देखेंगे कि ये examples में बता रहे हैं कि 100 year अगर हम study कर रहे हैं 100 year datas को और one day that is 24 hour precipitation depth के बारे में अगर हम study कर रहे हैं तो इसमें दिया गया कि वो कितना होगा 7.5 cm. तो ये इसका मतलब यही होगा कि अगर हर 100 साल की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन आएंगे इन द कंप्लीट 100 इयर्स व्हिच इज विल बी 7.5 सेंटीमीटर है ना. एक और एग्जांपल है, इफ द रेनफॉल विद ए 50 ईयर रिटर्न पीरियड एट ए गिवन लोकेशन इज 200 mm, दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग दैट ए रेनफॉल 200 mm और ग्रेटर शुड अकर एट दैट लोकेशन ऑन द एवरेज ओनली वंस एवरी 50 इयर्स. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम 50 साल की बात करेंगे पार्टिकुलर कोई भी लोकेशंस की, तो उस 50 साल में मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी अकर होने की जो चांसेस रहेंगे दैट इज 200 mm, जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल होगा वो कितना होगा 200 mm, ठीक है ना. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ऑफ द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्ड और एक्सीडेड ड्यूरिंग ए वन ईयर पीरियड, ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि वो कितना अकरेंस होगा, ठीक है ना, कितना अकर करेगा पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का उस टाइम पे. जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे 11 12th में, तो उसमें दिया रहता है कि जैसे अगर हम हेड और टेल की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर एक क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड कितना होगा. तो उसमें 1/2 हो जाता है 0.5, दैट इज इवेंट जो है वो हेड अकरेंस का है दैट इज 1, और जो सैंपल स्पेस है वो कितना है हेड एंड टेल दैट इज इक्वल टू 2. तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है ना. और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यूज होते हैं वो 0 से 1 तक वेरी करता है अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो उसमें वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना. सो द बेसिक रिलेशनशिप क्या है दोनों रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी में, तो रिटर्न पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू 1/p, ठीक है ना. दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है. अगर हमें प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा तो हम रिटर्न पीरियड निकाल सकते हैं, और अगर रिटर्न पीरियड दिया रहेगा तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मे बी मेड आइदर बाय एम्पिरिकल और बाय एनालिटिकल मेथड्स. A simple empirical technique is to arrange the given annual extreme series in the descending order of magnitude and to assign an order number m. Thus, for the first entry m equal to 1 and for the second entry m equal to 2 and so on till the last event for which m is equal to n, number of years of the record. The probability p of an event equal to or exceeded is given by Bebull's formula. ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस और अकरेंस के लिए बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज दिए हैं, बट जनरली हम लोग वेबल्स फार्मूला को यूज करेंगे. इसमें जो है जितने भी डाटाज दिए रहते हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड में अरेंज करते हैं, ठीक है ना. रैंक हम देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल अकर हुआ होगा उसको रैंक 1 देंगे, उसके बाद 2, 3, 4 करके उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना. अरेंज करने के बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला p इक्वल टू m अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना. तो वेयर n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है ना, या जितना भी आपका रिकॉर्ड लिया गया है प्लस 1, ठीक है ना. एंड m इज द रैंक,
जो रैंक आएगा, जो 1 2 3 4 इस तरह से हम अरेंज करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल में और देखेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। और व्हाट विल बी द टी, टी रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/p n+1/m, ठीक है ना। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो वो उसको क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक ना। अबव इक्वेशन इज एम्पिरिकल एंड देर आर सेवरल अदर एम्पिरिकल इक्वेशंस अवेलेबल टू कैलकुलेट पी, ठीक है। और भी बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं, बट हम जनरली बिबुल्स फार्मूला को यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, रिटर्न पीरियड क्या होता है, बेसिकली उसको हम और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द रिकॉर्ड ऑफ एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए कवरिंग ए पीरियड ऑफ 22 years इज गिवन बिलो। द एस्टिमेट द एनुअल रेनफॉल विथ रिटर्न पीरियड्स ऑफ 10 years एंड 23 years, वॉट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू और एक्सेडिंग 100 cm। तो ये डाटा दिया है आपको 22 years का, उससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। रिटर्न पीरियड पूछ रहे हैं 10 years में कितना होगा, 23 years में कितना होगा, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, रिटर्न पीरियड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये सारे डाटा दिए हैं 1960, ठीक है ना, 1960 से लेकर के 1981 तक के डाटा दिए हुए हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर रहे हैं, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग रेनफॉल होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या किया है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम इज़ द रैंक, ठीक है ना, जैसे कि अपन कॉलेज में रैंक लाते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ पर रेनफॉल हुआ है, ठीक है ना, उसको रैंक हमने क्या कर दिया, 1 दे दिया है, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, चाहे तो आप यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हैं कि कौन से ईयर का ये डाटा है, ठीक है। तो रैंक 1 2 3 4 5 इस तरह से रैंक हो गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको हम अरेंज कर दिए। अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी विबुल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, एम अपॉन एन प्लस वन। तो हम देखेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 अपॉन n+n, कितना है यहाँ पर n, देखेंगे n दिया है आपका 22 डाटाज है, ठीक है ना, 22 डाटाज है। तो 22 डाटाज प्लस 1 1 अपॉन 22 प्लस, ठीक है ना, 1 अपॉन 22 प्लस 1 कितना जाएगा, ये 23। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आएगा 0.043, ठीक है। और वो रिटर्न पीरियड कितना हो रहा है, वो टोटल 23 इयर्स रिटर्न, 1/t कर देंगे, 1/p कर देंगे तो आपको t मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 23 इयर्स हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से सभी का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है और सभी का हमने रिटर्न पीरियड निकाल लिया है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, m अपॉन n प्लस 1, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रिटर्न पीरियड। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपको पूछा जा रहा था कि एनुअल रेनफॉल फॉर 10 इयर्स रिटर्न पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 10 इयर्स रिटर्न पीरियड कहाँ पे आ रहा है। तो रिटर्न पीरियड हम देखेंगे, देखिए ये ब्लू से यहाँ पे मार्क किया गया है ये दो डाटा। तो रिटर्न पीरियड जो है एक 11.5 ईयर दिया है और एक 7.67 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें लेकिन चाहिए कितना, 10 इयर्स के लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें इन दोनों का जो है, इन दोनों डाटाज का हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन करने से फिर हमें 10 इयर्स का रिटर्न पीरियड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इंटरपोलेशन किया तो उसमें वैल्यूज आया आपका 137.5 cm, ठीक है। इस तरह से अगर एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे 23 इयर्स रिटर्न पीरियड का, ठीक है ना। तो 23 ईयर का डाटा आपको दिया हुआ है, तो 23 ईयर रिटर्न पीरियड में 160 cm होगा, ठीक है ना। तो इसका फिर से मैं एक बार बताऊंगा कि रिटर्न पीरियड क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जो डाटा है वो 22 ईयर्स का डाटा है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि 23 साल में जो आपका मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो कितना हो रहा है, 160 cm। तो उस पर्टिकुलर लोकेशंस में हर 23 साल में 160 cm डेप्थ का रेनफॉल होने की संभावना है, ठीक है ना। हर 23 साल में, 23 साल के अंदर 23 साल में क्या है कि 160 cm के रेनफॉल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिटर्न पीरियड ऑफ पी इक्वल टू 100 cm, ठीक है ना। रिटर्न पीरियड प्रेसिपिटेशन 100 cm के लिए हमें दिखाना है कि 100 cm कितने सालों में रिटर्न होता है, ठीक है ना।
100 सेंटीमीटर का जो है कितने साल में रिटर्न होगा, तो इसमें हम देखेंगे। ये देखिए हमने ग्रीन से इसको मार्क कर दिया है दोनों, ठीक है। तो देखिए एक जो है 102 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, दूसरा कितना हो रहा है 96 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंटरपोलेट कर देंगे तो हमें क्या है वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, 100 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल कितने सालों में होता है, ठीक है ना, या क्या इसका प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, ठीक है, इसका रिटर्न पीरियड कितना है। तो रिटर्न पीरियड दिया हुआ है, इसको जब हम इंटरपोलेट करेंगे तो हमारा वैल्यूज आता है 2.4, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी में, एनुअल रेनफॉल फॉर 50 इयर्स रिटर्न पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारे डाटा में 23 साल का ही है, तो हमें कितने साल का चाहिए यहाँ पर, 50 इयर्स का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को या तो ग्राफ में प्लॉट करके एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, या इसी डाटा को हमें एक्स्ट्रापोलेट करके आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्टडी करते हैं डाटाज को, इंटेंसिटी जो होता है रेनफॉल का एमएम पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर में, पर्टिकुलर कितने ड्यूरेशन का रेनफॉल हुआ है उसको टाइम पे, और फ्रीक्वेंसी जो है, दैट इज फ्रीक्वेंसी जो है आपको यहाँ रिटर्न पीरियड, मतलब कितने सालों में वो फ्रीक्वेंटली अकर करेगा, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो वो भी आपका टाइम का टाइम यूनिट है। तो क्यों ये जरूरत हमें क्यों पड़ रहा है, क्यों हम इस एनालिसिस कर रहे हैं, ग्राफ बनाने का क्या जरूरत है। तो मेनी स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन एनालिसिस, दे कनेक्ट डिस्क्रीट प्रेसिपिटेशन इवेंट एनालिसिस टू डिजाइन स्टॉर्म प्रेडिक्शन, ठीक ना। स्टॉर्म प्रेडिक्शन करने के लिए कि पार्टिकुलर जो है उस लोकेशंस में जो स्टॉर्म आ रहा है कितने ड्यूरेशन में कितना इंटेंसिटी का रेनफॉल होगा, तो हमें पहले से प्रेडिक्ट करने के लिए हमें ये एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इट इज दीज आर यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग स्टॉर्म ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन फॉर ए गिवन लोकेशन, ठीक ना। पार्टिकुलर लोकेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी डाटा ड्यूरेशन हमें एनालिसिस में ये जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम प्रॉपरली उसको फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी जो है रिलेशनशिप वो कैसे डिपेंड करता है, इन मेनी डिजाइन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर साइड सच एज रन ऑफ डिस्पोजल, इरोजन कंट्रोल, हाईवे कंस्ट्रक्शन, कलवर डिजाइन, इट इज नेसेसरी टू नो द रेनफॉल इंटेंसिटीज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड डिफरेंट रिटर्न पीरियड्स। द कर्व दैट शोज द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड रिटर्न पीरियड इन ईयर इज कॉल्ड IDF कर्व। IDF बोले तो और इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व। तो रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, रिलेशन एक एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव किया गया, वो इस तरह से डिपेंड करता है, I इक्वल टू के टी टू द पावर एक्स अपॉन डी प्लस ए टू द पावर एन, वेयर I इज द इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर आवर, डी इज द ड्यूरेशन इन आवर्स, टी इज द रिटर्न पीरियड इन ईयर्स, एंड अदर्स आर द कॉन्स्टेंट्स, के एक्स ए एन आर द कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवेन कैचमेंट, पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए जो बाकी जो पैरामीटर्स है वो उससे डिराइव किए जाते हैं। सो यहाँ पर हम एक ग्राफ को देखेंगे, IDF कर्व को स्टडी करते हैं। देखिए IDF कर्व में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे देखिए ये इन दी वाई एक्सिस यहाँ पर क्या है इंटेंसिटी है, और एक्स एक्सिस में क्या है ड्यूरेशन है, और जो ये ग्राफ बना है वो पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड के लिए, अलग अलग रिटर्न पीरियड के लिए अलग अलग ग्राफ बने हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं, जो अगर ब्लैक वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला अगर कर्व की हम स्टडी करें, तो ये जो रिटर्न पीरियड 100 इयर्स का दे रहा है, मतलब ये जो रिटर्न पीरियड है ये हर 100 साल के लिए बता रहा है कि 100 साल के अगर हम स्टडी करेंगे तो ये इतना मैक्सिमम रेनफॉल या मैक्सिमम स्टॉर्म आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखें ये क्या है ड्यूरेशन, एक घंटे का अगर रेनफॉल होगा, एक घंटे का रेनफॉल होगा और ये 100 ईयर्स का रिटर्न पीरियड चाहिए, तो हमें कितना वैल्यूज हैं अराउंड इतना इंटेंसिटी से बारिश होने की संभावना है। सिमिलरली हम अलग अलग पॉइंट्स पे स्टडी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 आवर्स का रेन स्टॉर्म होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ से हम फिर ये वाई एक्सिस में ले जाकर देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्टडी करेंगे 50 इयर्स रिटर्न पीरियड के लिए, ठीक है ना, तो ये जो है 50 इयर्स रिटर्न पीरियड है
और सिमिलरली ये ब्लू कर्व जो है वो 25 इयर्स रिटर्न पे, मतलब 25 इयर्स का अगर हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वो उस पार्टिकुलर ड्यूरेशंस का अगर रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे कितना इंटेंसिटी की बारिश होने की संभावना है, ठीक है ना। और ये जो वैल्यूज हैं के एक्स ए एन, वो पर्टिकुलरली कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ का जो सॉइल कंडीशंस है कैसा है, स्लोप कैसा है, उन सब वैल्यू से ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्राफ, मैक्सिमम इंटेंसिटी रिटर्न पीरियड ड्यूरेशन, ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी रिटर्न पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को हमने सेम वाई एक्सिस में लिया है और ड्यूरेशन की जगह पे यहाँ पे हमने रिटर्न पीरियड को लिया है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशंस देखिए, अगर हम बात करेंगे रेनफॉल 30 मिनट का होगा, 1 आवर का होगा, 2 आवर का होगा, 4 आवर का ड्यूरेशंस का रेनफॉल हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वो कितने ईयर्स में रिटर्न होगा, ठीक है ना, कितने ईयर्स में फिर से वो बारिश होंगे। तो इसलिए इस ग्राफ को हम अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर स्टडी करें 100 ईयर्स का देख रहे हैं, ठीक है ना, 100 ईयर्स रिटर्न पीरियड में हम देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा अगर 30 मिनट का ड्यूरेशन का रेनफॉल हो रहा है तो कितनी इंटेंसिटी से बारिश हो सकता है, दैट इज़ यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर पर आवर की रेनफॉल होने की संभावना है, ठीक है ना। तो ये हम डाटा से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर्व इज मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम देखेंगे वाई एक्सिस में हमने डेप्थ को लिया है, मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन इज इन एक्स एक्सिस एंड रिटर्न पीरियड इन दी ग्राफ। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 100 ईयर्स का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 ईयर रिटर्न पीरियड्स 100 साल को देख रहे हैं कि उसमें कितना आने की संभावना है, और देखेंगे ड्यूरेशंस कितना हो रहा है, मतलब टू आवर ड्यूरेशंस का रेनफॉल हो रहा है, तो हम देखेंगे कि इंटेंसिटी कितना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे अराउंड 35 के अराउंड जो है हमारा 35 डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ कितना होने की संभावना है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो द क्वेश्चन इज द मास कर्व ऑफ रेनफॉल इन ए स्टॉर्म ऑफ टोटल ड्यूरेशन 270 मिनट्स इज गिवन बिलो। ड्रॉ द हाइटोग्राफ ऑफ द स्टॉर्म एट 30 मिनट्स टाइम स्टेप। प्लॉट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व फॉर द स्टॉर्म। प्लॉट द मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन कर्व फॉर द स्टॉर्म, ठीक है ना। तो ये हाइटोग्राफ जो है वो हमने लास्ट जो वीडियोज हमने शेयर कराया उसमें ये हाइटोग्राफ तक हमने करा था। आज जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व फॉर द स्टॉर्म एंड मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन कर्व फॉर द स्टॉर्म हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द डाटाज गिवेन, टाइम 0 से स्टार्ट होकर के 270 तक जा रहा है और फिर कम्युनिटी रेनफॉल 0, 6, 18 इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंटल डेप्थ इन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, हर 30 मिनट्स का हमने इंक्रीमेंटल डेप्थ निकाल लिया, ठीक है ना। इसमें से हम माइनस कर देंगे, 18 में से 6 जाएगा तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम दो कंसेक्यूटिव जो रेनफॉल है उसको हम सेपरेट कर देंगे तो हर 30 मिनट्स का इंक्रीमेंटल जो है डेप्थ हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हर 30 मिनट्स का मिल गया तो हमारा जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो क्या है, मिलीमीटर पर आवर में। हर एक घंटे की बात कर रहे हैं, एक घंटे की बात करें तो 30 मिनट्स में 6 हो रहे हैं, 6 एम एम, तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दैट इज़ 12। सिमिलरली यहाँ पर 12 हो रहे हैं तो एक घंटे में कितने जाएंगे, 24, ठीक है। फिर हम उसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इंटेंसिटी मिल गया। फिर इसके बाद हाइटोग्राफ हम जानते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम में हम बार ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ से हमने सभी को बार ग्राफ बना दिया, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया, ठीक है। अब जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन रिलेशनशिप हमें देखना है। हर जो है ड्यूरेशन, अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए हम मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको डाटा दिया हुआ था, ठीक है ना, ये आपको वैल्यूज दिए हुए थे और यहाँ पे जो है आपका ड्यूरेशन दिया है 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, इस तरह से आपको ड्यूरेशंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हर ड्यूरेशंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, हर 30 मिनट्स का निकालना है। जैसे हमने पिछले तो निकाला था 18 में से 6 माइनस कर देंगे, 21 में से 18 माइनस कर देंगे, तो ये सेपरेट कर दिया तो ये हमारा 30 में आ गया। ये तो ये लास्ट ग्राफ जैसा ही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे ये 60, 1 आवर की हम बात करेंगे, तो 1 आवर जो है
1 आवर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से 60, तो 0 से 60 में कितना आ रहा है, 18 वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ 18 आ रहा है, फिर इसके बाद 30 to 90, ठीक है ना, 60 ड्यूरेशन, तो 30 से 90 मतलब 6 से 21, ठीक है ना, 6 से 21, तो दोनों को माइनस करके कितना आया, 15, फिर इसके बाद 60 to 120, ठीक है, तो 120 में कितना है, 36, और इसमें कितना है, 18, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 90 to 150, ठीक है ना, तो 43 माइनस 21, ठीक है, तो ये आपको 22 वैल्यू आएगा। सिमिलरली इस तरह से करके हम हर 60 मिनट्स के इंटरवल का हम जो है मैक्सिमम डेप्थ निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखेंगे। अगर 90 आवर्स की हम बात करें तो 0 से 90, डायरेक्ट 0 से 90 में कितना आ रहा है, 21, फिर 30 से 120 की हम बात करेंगे, 30 से 120 में 30 आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से सभी ड्यूरेशंस के लिए, अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए हम मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम डेप्थ हम देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे हमने उस वैल्यूज़ को लिख दिया है, 15, 22, 30, 37, 43, 49, 52, 53 एंड 54, वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। तो हम देखेंगे 30 मिनट्स के लिए मैक्सिमम डेप्थ कितना आया था, 15, तो अगर हम इसको इंटेंसिटी निकालना है मिलीमीटर पर आवर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 30 मिनट्स में निकालेंगे तो इंटेंसिटी डबल करना पड़ेगा, ये 15 × 2 हो जाएगा 30। सिमिलरली 1 आवर में तो 1 आवर का ही निकाला, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1.5 आवर्स ड्यूरेशन का निकाला है हमने, तो 1.5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 30 को अगर 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। सिमिलरली ये 2 आवर्स का है, तो 37 / 2, ठीक है ना, तो ये हमें मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 2.5, ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी हर ड्यूरेशंस के लिए। फिर हम इसको जो है कर्व प्लॉट कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कर्व में मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन, तो हमने वाई एक्सिस में मैक्सिमम डेप्थ एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी लिया है और एक्स एक्सिस में ड्यूरेशन लिया है, ठीक है ना, और हमने इसको प्लॉट कर दिया जो भी हमें डाटास मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज योर मैक्सिमम डेप्थ, डेप्थ वैल्यूज जो है यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं अलग अलग वैल्यूज, तो ये आपका वैल्यूज हैं, दिस इज योर ग्राफ एंड फॉर मैक्सिमम डेप्थ ड्यूरेशन एंड दिस इज द ग्राफ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन। हम दोनों को पॉइंट वाइज प्लॉट कर देंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगा और ये ग्राफ हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक डैम एंड स्पिलवे, द मैक्सिमम पॉसिबल प्रेसिपिटेशन दैट कैन रिजनेबली बी एक्सपेक्टेड एट ए गिवन लोकेशन इज यूज्ड। द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल फॉर ए गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकली पॉसिबल ओवर ए स्टेशन और बेसिन। फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, PMP कैन बी डिफाइंड एज द रेनफॉल ओवर ए बेसिन विच वुड प्रोड्यूस ए फ्लड फ्लो विथ ए वर्चुअल और नो रिस्क और बींग एक्सीडेड। द डेवलपमेंट ऑफ PMP फॉर ए गिवन रीजन इज एन इन्वॉल्व प्रोसीजर एंड रिक्वायर्स द नॉलेज और एन एक्सपीरियंस हाइड्रोमेट्रोलॉजिस्ट। तो बेसिकली हमारा जो PMP है, हम कोई भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, डैम हो गया, स्पिल वे, हमें जो है पूरा उसका हमें लास्ट 50 ईयर्स 100 ईयर्स उसका डाटा उसको हमें स्टडी करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशंस में जो है वो बारिश कितने हुए हैं, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन कैसा हुआ है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ का जो है मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ड्राइव करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी स्ट्रक्चर्स को हम डिज़ाइन के लिए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर डैम ब्रेक हो जाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए इसका एनालिसिस में हमें बहुत ही प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर प्रेसिपिटेशन टॉपिक। आगे हम जो है इवापोरेशन, इवापोरीमीटर्स, इन्फिल्ट्रेशन वन बाय वन हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी आपके फ्रेंड्स जो है इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।